दोस्तों, हम लोग राजनीति में हैं, अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए और पूछते भी हैं कि हम ये संघर्ष क्यों कर रहे हैं, ये जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं, ये लड़ाई किस बात की लड़ाई है? पद और कद की लड़ाई है, नाम और पहचान की लड़ाई है, धन दौलत के लिए लड़ाई है, सुख सुविधाओं के लिए लड़ाई है, या एक खोखले अहम की लड़ाई है? है क्या? आज जब राहुल गांधी को अपना घर खाली करते हुए देखा, मुस्कुराते हुए देखा, उनके चेहरे के भाव से इस सवाल के जवाब मिले, और बड़ा अहम जवाब है, बहुत जरूरी जवाब है। एक जिद है, एक ऐसी जिद जो आपको दिन को चैन से बैठने नहीं देती, एक ऐसा जुनून जो आपको रात को सोने नहीं देता। जिद, मजबूर खामोशी को आवाज देने की जिद, जुनून जो जमीन दोज है उनको पंख और परवाज देने का जुनून। अगर ये जिद और ये जुनून नहीं है तो बैठे हैं ना लोकसत्ता में, जो उन्हें चाहिए था मिल रहा है, लेकिन वो जिद नहीं है, वो जुनून नहीं है, हालात बदलने की वो भावना नहीं। राहुल गांधी ने आज एक रास्ता दिखाया है। जो भी राजनीति में है, किसी भी पार्टी में हो, किसी भी विचारधारा को मानते हो, ये रास्ता जो राहुल गांधी दिखा रहे हैं, ये रास्ता बहुत जरूरी है, ये देश के लिए जरूरी है। हरिवंश राय बच्चन कहते थे कि पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला। कोई कीमत कम नहीं है। जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, जिस विचारधारा को फलने फूलने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं कि यह विचारधारा ना केवल जिंदा रहे, फले फूले, क्योंकि ये देश की विचारधारा है, इसमें हर व्यक्ति के लिए स्थान है, हर एक के लिए एक जगह है, इज्जत है, उस विचारधारा की ये ऐसी लड़ाई है जिसके सामने कुछ भी क्या खोया क्या पाया मायने नहीं रखता। शुक्रिया राहुल गांधी, आपने कुछ अहम सवालों का जवाब आज हमें दिया। जय हिंद, जय कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।